हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एसेट्स कम्युनिटी। मैं हूं उज्जवल। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, काफ़ी कॉइन जो है नीचे जो बिल्कुल बॉटम में आ गए थे वहां से काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल रही है ऑल्ट कॉइन्स में। और बेसिकली मैंने बताया था कि अभी जो है 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर कॉइन की मूवमेंट नहीं है। कॉइन नीचे से ज़रूर ऊपर आए हैं, लेकिन अभी 200 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। और मैंने आपसे बताया था कि कुछ कॉइन को मैं सेलेक्ट करके उनकी एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो पाएगी। अगर वो कॉइन आपके पास है तो भी इससे आपको गाइडेंस मिल पाएगी कि आपको उस कॉइन में क्या करना है, और अगर आप उस कॉइन में ट्रेड करना चाहते तो भी आपको हेल्प मिल पाएगी। कुछ कॉइनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो कॉइनों के बारे में ही बताऊंगा, दो कॉइनों के एनालिसिस करके दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू के लाइव चार्ट के ऊपर। क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइन अगर मैं इस वीडियो में ले लूँगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, आपको भी पिक्चर क्लियर नहीं होगी और सारे कॉइन्स के लेवल भी आपको नहीं पता चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैं सिर्फ दो कॉइन की टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा, वो मुझे कॉइन जो है पर्सनली मुझे कॉइन अच्छे लगे, उनकी जो मूवमेंट है उनकी आने वाले समय में एक अच्छी मजबूती से वो बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ पैटर्न्स भी बन रहे हैं। वो पैटर्न जो है उस कॉइन को और भी ऊपर ले के जाएंगे। तो इस बारे में इस आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि टेक्निकल वीडियोस होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर मैं ऐसी कोई बातें आपसे बता रहा हूं, हो सकता है आप स्किप भी कर दें, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं, चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग की बात कर रहा हूं, कुछ लेवल्स अगर आपको मैं बताऊंगा तो आपको सारा कुछ समझना पड़ेगा, सब कुछ देखेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आपकी पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि किस तरह से आप एंट्री और एग्ज़िट कर पाएंगे, या आपको जो डिसीजन लेना है उसको आप सही से ले पाएंगे। तो पूरा वीडियो मेरे साथ बिल्कुल देखते रहिए। और इधर आप देख रहे हैं कि BTC में एक रेंज बाउंड के अंदर मूवमेंट हो रही है। हालांकि डे वन चार्ट पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर BTC की मूवमेंट हो रही है, और नीचे 77 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद $7,500 का एक सपोर्ट है, जो कि 7700 के सपोर्ट से 8000 सपोर्ट के बीच में प्राइस की मूवमेंट हो रही है। तो $100, $200, $300 की अगर मूवमेंट बिटकॉइन में हो रही है तो ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छी खबर है, ऑल्ट कॉइन में मूवमेंट बनी रहेगी। अगर बिटकॉइन में अगर बहुत तेज मूवमेंट आ जाती है, 1000-2000 की अगर ऊपर नीचे हो जाता तो मार्केट डिस्टर्ब हो जाती, तो मार्केट एक रेड जोन में चली जाती है। तो अगर बिटकॉइन इसी रेंज में $200-$300 के रेंज में अगर मूवमेंट होगी तो ऑल्ट कॉइन के लिए एक अच्छी रिकवरी का चांस बन सकता है। तो आज जो दो कॉइनों के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, एक तो सिया कॉइन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सिया कॉइन पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, जो उसके प्राइस को और भी अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। दूसरा जो कॉइन है जो अभी बाइनेंस में सबसे टॉप में चल रहा है वो है लैंड। 30% के मूवमेंट के साथ आज भी लैंड कॉइन चल रहा है, और 3-4-5 दिनों से लगातार लैंड में मूवमेंट बनी हुई है। तो लैंड का अगला टारगेट क्या होगा, कहां तक जाने वाला, इस दोनों कॉइनों के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी लाइव चैट के ऊपर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी अपनी जो फैमिली है वो 91 सब्सक्राइबर्स की है, तो प्लीज़ आप लोग अगर विजिट करते हैं, आप लोग मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करता है, जिससे कि आपका लॉस मिनिमाइज हो सके, प्रॉफिट हाई हो सके दोस्तों। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है इस चैनल के माध्यम से, तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है वो और भी लोगों तक पहुँच सके और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, सभी इस चीज़ों को देख के आगे डिसीजन ले पाएँ दोस्तों। तो ये रिक्वेस्ट है, मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिससे कि आपको हेल्प हो पाए दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आपको सीधे ले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर,
और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हम लोग देखते हैं, सीए कॉइन की चार्ट एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ लैंड कॉइन की चार्ट एनालिसिस करते हैं। दोनों कॉइनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग सीए कॉइन के बीट्रेस के डेली चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और आप सामने देख पा रहे हैं कि प्राइस जब नीचे आया था तो उसका बॉटम 16 तक ही आया था प्राइस, और 16 पे आने के बाद फिर डायरेक्टली यहाँ से बुलिश हुआ और ये असेंडिंग चैनल के अंदर इसकी प्राइस की मूवमेंट हो रही थी। असेंडिंग चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, असेंडिंग एक बुलिश पैटर्न है, यानी असेंडिंग चैनल जब भी बनता है तो प्राइस एक अच्छे लेवल को अचीव करता है, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट रहती है। 100% ये रहता है कि ये ब्रेकआउट देगा और अच्छे लेवल को अचीव करेगा। तो जैसे कि असेंडिंग चैनल बना था, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद लगातार ये ऊपर पड़ता चला गया और ये इस लेवल पे, यानी जो रेजिस्टेंस था ये 29 का आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये इस जगह पे कई बार, यानी कि बात करें अगर 25 जून 2019 को ही प्राइस यहाँ पे आया था, उसके बाद कई बार यहाँ पे आके इस लेवल पर टकराया प्राइस, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे गिर गया था, फिर अभी यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर आके 29 के लेवल पे आके फिर से प्राइस ड्रॉप हुआ। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी क्रॉस नहीं कर पाया, पहले भी नहीं कर पाया था, अभी भी नहीं कर पाया और प्राइस यहाँ से फिर से गिर गया। तो दोस्तों, अभी आपको डेली चार्ट पे लाने का पर्पस ये था कि भी आपको दिखाना चाहता था कि अभी डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं सामने, ये कप एंड हैंडल का पैटर्न इसे कहते हैं। आप देख रहे हैं ये कप बना हुआ है, इसीलिए ये देखिए ये कप का फॉर्मेशन बना है, आपको पूरा कप दिख रहा है और ये आपको हैंडल दिख रहा है जो मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो सीधे सीधे कप एंड हैंडल का जो पैटर्न है बहुत ही बुलिश पैटर्न है, यानी कि इसका जब ब्रेकआउट होता है, कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट होता है वो बहुत लंबा पंप होता है प्राइस, यानी बहुत लंबे टारगेट को अचीव करता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो रैली आई थी, रैली रुक गई है और इस जगह पे भी कंसोलिडेट कर रहा है, हैंडल इसका पैटर्न पूरा बनने के बाद ही इसका ब्रेकआउट होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जैसे ये ब्रेकआउट होगा, प्राइस नीचे से यहाँ ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार रीटेस्ट करके नीचे प्राइस ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के बाद सीधे ये प्राइस ऊपर की तरफ 42 से 45 तक का लेवल ये अचीव कर सकता है। तो बहुत ही बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें दिखाना था। तो मैंने देखा इस पैटर्न को आपके साथ मैंने शेयर किया, जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आप सी अकाउंट में अभी आपने एंट्री ली है तो आपको एग्ज़िट करने में आसानी हो, और अगर आप पहले से सी अकाउंट ले रखा है आपने तो आपको एक गाइडेंस मिल पाए कि किस तरह से आप किस लेवल पे निकलना चाहेंगे, किस लेवल से आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है दोस्तों, इसका आप बेनिफिट उठाइए। अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, अभी सेफ साइड लेना चाहते हो, तो अभी हैंडल को कंप्लीट हो जाने दीजिए, ब्रेकआउट हो जाने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद जब वो प्राइस फिर से रीटेस्ट करके नीचे आएगा, तो रीटेस्ट करके नीचे आने के बाद जब फिर से जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, रीटेस्ट के समय आप एंट्री ले सकते हैं, उसको आप 42-45 तक आप टारगेट लगा सकते हैं, यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल सेफ साइड है। अगर आपने पहले से एंट्री ले रखी है तो अभी जब भी प्राइस हैंडल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आएगा तो वहाँ पे आप एग्ज़िट हो सकते हैं, जब रीटेस्ट करेगा प्राइस तो फिर आपसे री एंट्री आप ले सकते हैं। तो उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा सीए कॉइन के इस पैटर्न के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर ये कप एंड हैंडल बन रहा है। तो थोड़ा समय लगेगा इसके ब्रेकआउट में, क्योंकि डेली चार्ट है तो थोड़ा सा अभी इतनी जल्दी डिफॉर्मेशन नहीं बनेगा, आपको भी समय लगेगा। लेकिन अब इसको गौर कीजिएगा, ये पैटर्न ब्रेक होते ही एक अच्छे लेवल पे हम सीए के प्राइस को देख सकते हैं। तो बेसिकली हमको आपको इस पैटर्न को बताने के लिए चार्ट पे लाना पड़ा, जिससे कि आपको सीए में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा सीए के ऊपर और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, कि आपको क्या करना है और कैसे आपको एग्ज़िट होना है या एंट्री होनी है।
तो इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा जो कॉइन मैं बता रहा था उस कॉइन को देख लेते हैं, उसका चार्ट क्या कहता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, अभी 29 के लेवल पे चल रहा है और नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका ये 40 to 45 का है। RSI भी अभी ओवरसोल्ड से होके थोड़ा सा नीचे आया था, 60 पे RSI भी चल रहा है, तो अभी भी बुलिश है और CA एक अच्छा प्राइस आपको दे सकता है दोस्तों। हम लोग लैंड के मंथली चार्ट के ऊपर हैं, ये बाइनेंस का चार्ट है। तो आप देख रहे हैं बाइनेंस के चार्ट में लैंड का प्राइस जो है मंथली चार्ट पे, मंथली में आप देख रहे हैं कि प्राइस ये ड्रॉप होता गया और ड्रॉप होने के बाद प्राइस ने जो लोएस्ट बनाया था वो है 29 सतोसी तक प्राइस आया था। और सबसे बड़ी बात है कि लैंड बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ रहा है, क्योंकि जो मंथली चार्ट है मंथली चार्ट में भी एक बुलिश कैंडल देखिए, अभी तक लगातार आप मंथली चार्ट को देख रहे थे लगातार बेरिश कैंडल बनती चली जा रही थी, मैंने काफ़ी समय से बेरिश कैंडल बन रही थी और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे आके आपको दिख रहा होगा कि ज़बरदस्त तरीके से मंथली चार्ट पे ये एक बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो मंथली यानी कि पूरा मंथ जो भी चल रहा है ये पूरे मंथ में इसमें तेज़ी बनी रहेगी, इसके अकॉर्डिंग अगर और क्लोजिंग अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर देता है तो और भी ज़्यादा अच्छे लेवल हम देख पाएंगे। इसके बाद अगर वीकली चार्ट की बात करें दोस्तों, तो वीकली चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली बुलिश कैंडल बन रही, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद प्राइस लगातार ही बढ़ता जा रहा है। 52 का जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको भी इसने ब्रेक किया, इसके बाद दूसरा जो रेजिस्टेंस है 73 का, इसके ऊपर भी इसको वीकली चार्ट पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और वीकली चार्ट पे RSI भी देख लीजिए दोस्तों, RSI भी 49 के लमसम है, ऊपर की तरफ ही शो हो रहा है। और एक बार हम लोग डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या कहता है, तो ये देखिए थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ चार्ट को, तो ये जो आप देख रहे हैं कि प्राइस इस जगह पे ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 126 का रेजिस्टेंस है। प्राइस नीचे जब ड्रॉप हुआ था तो कोशिश किया था इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया, ये आप देख रहे हैं जो प्राइस ये मई में 2019 में ये प्राइस जो नीचे गिरा, तो उसके बाद कई बार यहाँ पे मई में और जून में इसने काफ़ी ट्राई किया लेकिन इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया, फिर प्राइस लगातार नीचे गिर गया। 29 का लो बनाने के बाद प्राइस की मूवमेंट फिर से ऊपर की तरफ आई और ऊपर आने के बाद दोस्तों ये प्राइस ने पहला रेजिस्टेंस जो था 52 का उसको क्रॉस किया, फिर 73 का दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर से आगे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इधर देख रहे हैं कि ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो मैंने ये ड्रॉ किया है ये 200 मूविंग एवरेज जिसकी मैं बात करता हूँ, 200 मूविंग एवरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस लगभग 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है डेली चार्ट पे। तो अगर दोस्तों ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है डेली चार्ट पे, तो जाहिर सी बात है आगे हम बुलिश प्राइस को बुलिश ही देख रहे हैं अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इसमें 126 तक प्राइस जा सकता है, अभी 100 के लेवल पर प्राइस की मूवमेंट है, 9500 पे चल रहा है, तो 120 का ये टारगेट अचीव कर लेगा। और अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज करता है 126 के ऊपर, तो हम और भी ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन है ये आप देख पा रहे हैं, इसको क्रॉस होने के बाद प्राइस और भी बुलिश हो जाएगा। यहाँ भी अगर डेली की बात करें तो डेली चार्ट में भी यहाँ पे RSI भी देखिए ओवरबॉट हो चुका है, काफ़ी ऊपर है और प्राइस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हर टाइम फ्रेम के अंदर। देखिए आपको मैं डेली चार्ट दिखा तब मैं आपको आवर 4 में दिखा दूँ, आवर 4 में भी देखिए स्ट्रॉन्गली इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ये ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर आया, अभी एक पीनट के अंदर इसकी मूवमेंट हो रही है। अब देख रहे हैं प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद जाहिर सी बात है इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को
क्रॉस कर जाएगा। तो काफ़ी हर टाइम फ्रेम के अंदर लैंड बहुत ही बुलिश दिख रहा है आपको। मैंने मंथली चार्ट भी दिखाया, वीकली भी दिखाया, डेली भी दिखाया, आवर फोर भी दिखाया, और RSI भी आवर फोर में आप देख रहे हैं कि ओवरबॉट हो चुका है। RSI भी 86 के लमसम चल रहा है। तो थोड़ा सा ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये जो आपका पिनट है दोस्तों, ये पिनट का भी चांस होता है, ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अभी चूँकि बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, सारे कैंडल आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली ग्रीन कैंडल बने हुए, तो चांसेस है कि ये प्राइस ऊपर की तरफ ही ब्रेक हो और इस ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर जाए। तो ओवरऑल लैंड बहुत बुलिश दिख रहा है। अगर आप बस पहले से लैंड पड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा। तो अभी पूरा मंथली चार्ट भी मैंने आपको दिखाया, तो पूरा मंथ जो है इसमें आपको बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम में लैंड बहुत स्ट्रांग है, तो एक अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसकी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में अपडेट करके दे दूंगा। थोड़ा सा इस पर नज़र रखिएगा। तो मैंने आज आपको सिया कॉइन के बारे में बताया और लैंड के बारे में बताया, दोनों ही अच्छे लेवल पर चल रहे हैं। सिया का जो बुलिश पैटर्न बन रहा है उस पर ध्यान रखिएगा, और लैंड ऑलरेडी बुलिश चल रहा है हर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये बेसिकली दोनों कॉइन आपको बताने का पर्पज़ था कि अगर आप बस ये कॉइन हैं या आप इस पर ट्रेड कर रहे हैं तो इन लेवल्स को ध्यान रखिए, ये आपको बेनिफिट दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की वो आपके काम आई होंगी, और अब उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाएंगे, आप काम कर पाएंगे, एंट्री एग्जिट आपको क्लियर हो गया होगा, सारे लेवल्स आपको पता चल गए होंगे। तो ऐसे ही टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। जैसे जैसे मार्केट रिकवर हो रही है, अगर मार्केट अच्छी चल रही तो मैं कॉइन खुद सेलेक्ट करके आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और आपकी अगर कोई क्वेरी है आपके ऊपर, आपको कोई कॉइन के बारे में पूछना है, किसी के एनालिसिस वगैरह के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट्स कीजिए, मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर डायरेक्टली आप वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट रहेंगे तो आपको न्यूज़ अपडेट तुरंत मिल जाया करेगी। इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट रहेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। तो बिल्कुल कनेक्टिविटी बनाए रखिए और अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए दोस्तों। मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपसे बताया था कि मेरे एक चैनल मैंने और क्रिएट किया हुआ, लेटेस्ट चैनल है, 2-3 महीने हुए हैं, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है। तो जैसा आप इसमें प्यार दे रहे हैं वैसे ही प्यार आप उस चैनल को भी दीजिए। YT बडी उज्ज्वल के नाम से वो चैनल है, उसमें जनरल उसमें बहुत तरह के टॉपिक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैंने दिवाली से रिलेटेड उसमें इनकम अपॉर्चुनिटी किस किस चीज़ों में हो सकती है, कौन से ऑथेंटिक वर्क करके आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो प्लीज़ उस पर भी वह विज़िट कीजिए, उस पर भी सब्सक्राइब कीजिए और उस पर भी अपना प्यार दिखाइए। और दोस्तों इसी तरह से आप अपना प्यार बना के रखिए, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।